दोस्तों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। वेलकम फ्रॉम पटाया। हम पहुँचे हैं आज पटाया अपने होटल में। अभी सुबह नहा धो करके हो गए तैयार, और कुछ ऐसा व्यू है, हमने रात को भी दिखाया था अपने रूम का। अभी तो सारा बिखरा पड़ा है, और कल हम रात को आए थे, रात को 1 बजे तक घूमते रहे, वॉकिंग स्ट्रीट वगैरह, और काफ़ी जगह गए, पूरी मार्केट घूमी है। तो खाना वाना खा के आए थे, मस्त खाना मिला हमने, नॉन वेज खाया था और बढ़िया सा चिकन मिल गया था, और इंडियन रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छा। तो आज भी शायद वहीं जाएंगे डिनर करने। बाकी अभी आपको अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए नीचे लॉबी में, तो मिलते हैं आपको। ये देखिए, ये हमारे बाहर बालकनी का व्यू है, रात को भी मैंने आपको दिखाई थी। तो मैं अभी आ जा क्लियर कर दूँ इसे। ये बालकनी का व्यू है हमारे, बढ़िया है होटल। ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते और ज़्यादा ख़राब भी नहीं कह सकते, 4 स्टार रेटिंग है। तो बाकी अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, देखो वहाँ पे उन्होंने ब्रेकफास्ट कैसा किया है, कैसा बनाया। ये रात को जहाँ मैंने आपको दिखाया था, बड़ी अच्छी अच्छी लाइटिंग लगी हुई थी, और रात को हम गए भी थे वहाँ पे इस मार्केट में सामने। ये हमारे होटल से 7th फ्लोर है हमारा, वहाँ से व्यू है, देखिए। तो यहाँ है अपना ब्रेकफास्ट, पाइन एप्पल जूस लाए हैं, और पोहा है, ऑमलेट है, सॉसेज है, और हाफ फ्राई है। तो हम लेते हैं ब्रेकफास्ट, आप वीडियो एंजॉय करें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करा दें। चाय, कॉफी, मिल्क, ये पोहा, दाल तड़का, भिंडी, चाउमीन, नूडल्स, फ्राइड वेजिटेबल्स, खत्म हो गए। और ये है हाफ फ्राई ऑमलेट, बॉयल्ड एग्स, सॉसेजेस और चिकन हैम सलामी। यहाँ जूस वगैरह लगे हुए, ये बढ़िया खाना सही पूरे यहाँ पे, नाइस। अभी हमारे टोस्ट हो रहे हैं, तो टोस्ट होते तो फिर अभी चाय भी पीते हैं। यहाँ पे लगे हुए सलाद, और अच्छी वैरायटी है, खाना बढ़िया है, और मेरे को ये ब्रेड एंड बटर, और मस्ती करते हैं चाय। अभी बढ़िया सा हो गया मस्त ब्रेकफास्ट, और अभी चल रही कॉफ़ी। सर कॉफ़ी, चीयर्स, चीयर्स सर, चीयर्स सर, चीयर्स। और एक कॉफ़ी मैंने पहले पी थी, और अभी एक दूसरी पी रहा हूँ, मस्त कॉफ़ी है।
आप इंजॉय करो और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। अभी चल रहे हैं कोरल आइलैंड, हमारी बस भी आ गई है, अभी हम चलेंगे। वाह, काफ़ी कुछ जानदार, मज़ा आ गया। चाय से बेटर, चाय में मसाला बहुत ज़्यादा था। अभी तुम्हें जूते पहनते हैं? अरे हमने जूते उतारने, आप जूते क्यों पहनोगे? हो गए। हेलो, हाउ आर यू? अभी जाएंगे कोरल आइलैंड, तो मिलते हैं, चलें। सवाल ही पैदा नहीं होता, अभी तो आया भी नहीं होगा, बिल्कुल 100% नहीं आया होगा। ये अभी हमारा एंट्रेंस है सेंट्रल पटाया होटल की, और अभी गाड़ियाँ आई हुई हैं और हम जाना कोरल आइलैंड। अभी हमारी टैक्सी नहीं आई है, मतलब वैन नहीं आई है, कुछ इस तरह की वैन आएगी। और अभी सारे कस्टमर्स भी और भी गेस्ट हैं जिन्हें जाना है। मौसम बढ़िया है, धूप निकल रही है, गर्मी का मौसम है साहब जी। हम बैठ चुके हैं अभी अपने बैग में, केरला ने आई है हमें लेने के लिए। हम जा रहे हैं कोरल आइलैंड, वहाँ से लंच का है कुछ हिसाब किताब, वहाँ पे वो लंच भी करते आएंगे। दो तीन सौ बजे जाएंगे, तीन बजेंगे मिलेंगे बड़े बड़े, फिर वहाँ पे हम खाएंगे सी फूड। सर निकल चुके हैं हम यहाँ से, अरे तो अंदर अंदर से लेके जाएंगे, वो वाली रोड है तो जहाँ पे हम रात को आए थे, डिस्को चल रहा था यहाँ पे, डिस्क था सारा। देखो अभी रात को यहाँ पे वो था और अभी यहाँ पे सुनसान पड़ा हुआ है, अभी सब तैयारी हो रही है, खाना बन रहा है रात को, फिर यहाँ पे खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, तो रात को फिर यहाँ पे आगे खाएंगे। शाम को बोलता सब, ये भी सारे शटर नीचे है देख लो ना, आधे शटर करके अंदर खाना बन रहा है, कोई चिकन बिरयानी बना रहा है, कोई बटर चिकन बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, पिक का भी वो छोटा नहीं है, वो बड़ा वाला, वो बड़ा। यहाँ से चालू हो गया ये सी, हमें भैया ने बुला लिया, वो करना है आपने, करोगे? जान मैंने नहीं पकड़ा होता, माना ही नहीं, रुका ही नहीं, बहुत स्मार्ट है मैंने। देखो यार रात को क्या व्यू था और अब देख लो, रात को क्या व्यू था यहाँ पे, मतलब अच्छा व्यू था, मतलब आपको दिखाई कम दे रहा था ना, मैं यहीं से तो जाएगी बोट हमारी। ये वॉकिंग सीट, नाइट व्यू अलग है और दिन का देख लो कैसा है, नाइट व्यू में सारी लाइटें, डांस बार सब ओपन थे और इसमें अभी कुछ भी नहीं है, सब अभी तैयारियां चल रही हैं। और रात को तो यहाँ पे मतलब कोई भी अंदर वाहन नहीं आता है, कोई कार अंदर नहीं आती, स्कूटी मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं आता, और इस समय सब आया हुआ देखो, केवल पुलिस की गाड़ी आती है। वन में एंट्री और कोई कोई व्हीकल नहीं, इनको मन आ रहा है, वीडियो में लो वीडियो, इनका मन आ रहा है। ये वॉकिंग स्ट्रीट पटाया, पतिया, ये टोकन नंबर मिल गया हमारे हाथ पे और अभी कोरल आइलैंड पहुँचे हैं, अभी हमारी बोट आएगी। मौसम बहुत ही अच्छा है, अभी पहुंचे कोरल आइलैंड,
कोरोना अभी नहीं पहुँचे, अभी तो हम पता सिटी में ही हैं और अभी हमारी बोट कौन सी है कौन सी नहीं है तो जाएंगे अभी। धूप हो तो ऐसी है, धूप पीछे वो है लिखा है पटाया सिटी, ये बहुत सिटी का बहुत अच्छी लोकेशन पे है, बहुत दूर से दिखाई देता है, हल्की सी पहाड़ी है उससे बना हुआ है। कोविड के बाद से जो टूरिस्ट आना चालू हुआ है ना, कोविड के बाद से टूरिस्ट आना चालू हुआ है, अभी इतनी भीड़ है, मतलब रात को इतनी दिखाई नहीं दे रही थी, मैदान पता क्या, धूप इतनी कड़क लग रही है ना, आप कह रहे हो दो धूप लग रही है, देख रहे हो, देख रहे हो, अरे वाह जी, देख रहे हो, देख रहे हो, काफ़ी देर से तो इन्होंने यहाँ पे खड़ा करा रखा था और अभी धूप में खड़े हुए हैं। ये सामने का पुल, यहाँ से बोट जाएंगी कोरल आइलैंड, बोट्स हैं यहाँ पे, मोटर बोट्स हैं, फेरी है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके आप जा सकते हो, लेकिन हमारा तो पैकेज कितने का, नहीं तो 500 से लेकर के 1000 बाट तक का एक्सपेंसिव है जिसमें लंच भी इंक्लूड है, हमारे वाले भी लंच इंक्लूड ही है। ब्यूटीफुल, अच्छा व्यू, ये वहाँ का व्यू है, देखो सी व्यू है, काफ़ी अच्छा है, साफ सुथरा है और काफ़ी पब्लिक भी आई हुई है, जैसे कि टूरिस्ट अब दिसंबर का महीना है, मंथ ईयर का एंड भी है और क्रिसमस भी है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं हॉलीडे मनाने के लिए, गुड स्पेस टू एंजॉय। काफ़ी टूरिस्ट आया हुआ है और संडे मतलब वीकेंड भी है इसलिए भी मान लो, और ईयर का एंड भी है तो भी, चलो 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 आ रहा हूँ। ओके ओके बैठो यार, लेकिन जब भी हम खड़े होते तो बता देते भाई। पहुँचे हैं कोरल आइलैंड, ये है फाइनली कोरल आइलैंड पहुँचे, अभी हमारे पीछे कोरल आइलैंड है, ये हमारी बोट है, पानी बिल्कुल साफ पानी है, बिल्कुल साफ सुथरा पानी है, बिल्कुल बहुत साफ पानी, साफ पानी है, जा रहे हो, जा रहे हो, ओके जा रहे हो, चलो ओके ओके,
साफ बिल्कुल पानी है, कोरल आइलैंड है। मैं अपनी बोट से दिखा रहा हूँ, साफ पानी है यहाँ का बीच का, बाकी लोग इंजॉय कर रहे हैं। और हम जब उतरे थे तभी दिख गए थे। बढ़िया फ्रेश मैंगोज़ हैं, अनानास है और तरबूज काफ़ी अच्छे हैं, अमरूद हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं और अच्छे हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं। 100 रुपये की एक ट्रे मिलती है जिसमें आप सब एंजॉय कर सकते हो, मिक्स भी ले सकते हो और अलग अलग भी ले सकते हो। भैया मिल गया हमें बर्मा का, और पीछे का व्यू इतना मस्त है ना, मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। मौसम बढ़िया हो रहा है, बिल्कुल साफ पानी है, वैसे बिल्कुल साफ देखो, रेत बिल्कुल ऐसी हो रही है, क्लीन रेत है, नहीं पुथरी है। बियर का पूरा मजे लेते हुए चेयर्स कोरल आइलैंड पे, रात को वहाँ पी थी, पहले एयरपोर्ट पी थी, फिर रात को वहाँ पे मार्केट में, और अभी सुबह सुबह 12 बजे बियर। अब ये बंदा खतरनाक है, ये नहीं पता चलता कौन सी साइड रिकॉर्ड कर रहा है, पता चले हमारी बातें रिकॉर्ड हो रही है भैया। ब्लॉगर होने का ये तो फायदा है ना, कोई मना नहीं करेगा वीडियो बनाने के लिए। फुल मौज मस्ती लेते हुए और खूब मजा आ रहा है, और शहरी लाइफ में कोई दोबारा मौका लगे तो इसलिए भैया नहा लो, मजे कर लो। हम तो सोचते हैं कपड़े गीले हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने नहा लेते हैं, इसलिए देखो काफ़ी पब्लिक मजे कर रही है और हमने भी एंजॉय किया। आप इंजॉय कर लिया पानी में, अब हम जा रहे हैं अपना बताया बीच में लंच करने, और नहा भी लिए, सी में काफ़ी अच्छा था, काफ़ी एंजॉय किया। यहाँ पे आना बनता है, जो भी आए इंजॉय करें, सारी शॉप्स हैं इस साइड में, रेस्टोरेंट्स हैं, एक बाइक देखो बॉडी बाइक बहुत अच्छी है। और अभी हमारे
फ्रेंड ने बनवा लिया चिकन, क्या चिकन बन रहा है हमारा। हाँ भाई, क्या चिकन बनवाया क्या? नहीं दिया ऑर्डर? वहाँ पे कुछ मंदिर वगैरह है। मंदिर कौन देखेगा? कितनी बार गिनोगे क्यों लगा लगा के? वहाँ पे कुछ है लेकिन जाना चाहिए, लेकिन गए नहीं वो रास्ता यहाँ से रेंट पे।